हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से परमानेंट भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया, फ्रेशर के लिए ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर, सैलरी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी भी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी टाटा ग्रुप के अंदर। एंड यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो। अब बात की जाए मेन मुद्दे पे कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है, ब्रांचेज कौन कौन सी एलिजिबल है, पोजीशन कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताऊंगा ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है वो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख लेना। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा मोबाइल के थ्रू। साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल नहीं रहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट रहेगा 900 प्लस का, 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। और एक चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या कर रखा है और आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा जो कि आप कमेंट करके बताओगे। और जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं मेरे को पता नहीं चलेगा, इसलिए कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 4 साल का बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर अगर आपने यहाँ पे MEMTECH कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि आपने BA कर रखा है, BCOM कर रखा है, BSc कर रखा है, या फिर आपने MBA कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन सारों के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगा वो मैनेजर का वैकेंसी रहेगा। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। वहीं अगर आपने BBTECH किया है या फिर अगर आपने MEMTECH कर रखा है तो आप लोगों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। ब्रांचेज यहाँ पे आपको ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी, किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है, BBTECH कर रखा है या फिर आपने MEMTECH कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्टली। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर आपको प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको 1 रुपया पे नहीं करना। तो यहाँ पे टाटा स्टील का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर्स एट टाटा स्टील जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। हम बात करेंगे यहाँ पे उन वैकेंसी के बारे में जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे टाइप ए जॉब रोल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, आप पोजीशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोकेशन वाइज जॉब को फाइंड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाइज जॉब को फाइंड कर सकते हैं और साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाता है। फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्सपीरियंस वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब कि आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं या पास आउट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, उसके अकॉर्डिंग आप जॉब को यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा। हम बात करेंगे फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी के बारे में। मैंने यहाँ पे 0 ईयर सेलेक्ट किया है और साइड में सर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपने फिल्टर लगा दिया, आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस 0 ईयर का है। टोटल रिजल्ट आपको यहाँ पे 11 देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 1 ईयर कीजिएगा, साइड में सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जो कि रहेगा यहाँ पे आपको 13 पोजीशन के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आपको देखने को
मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी के बारे में। पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, वो देखने को मिलेगी यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा आयरन मेकिंग आरईएस ग्रुप के अंदर, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जमशेदपुर का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा। फ्रेशर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, और अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो आपके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल पेपर राइटिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपने सीवी के अंदर उसको एडिट करके यहाँ पे अप्लाई करिएगा। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिक नॉलेज, यहाँ पे मांगा है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, बार बार यही बोला गया है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अच्छे से चलाना आना चाहिए। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने बीबीटेक कर रखा है, एमईएमटेक कर रखा है, पीएचडी कर रखा है केमिकल के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, मिनरल के अंदर, या फिर आपने यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर कर रखा है, और साइड में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एनी स्पेशलाइजेशन के अंदर, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे डिप्लोमा का भी ऑप्शन आ रखा है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लाइक अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए पोजीशन जो रहेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का रहेगा। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने एमएमटेक कर रखा है तो आप लोगों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं बोला गया, फ्रेशर के लिए ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई वाला बटन है, उस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे मैनेजर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे इनका हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने से पहले एक बार आप रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा जो कि रहेगा आपका 2 या 3 साल का, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद यहाँ पे आप परमानेंट भी हो सकते हैं। सारा का सारा डिपेंड करते हैं यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पे कि आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं। इससे पहले जो वैकेंसी हमने बात की थी वो परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन ये जो वैकेंसी रहेगी जो कि बीएससी, बीए, बीकॉम, या फिर अगर आपने बीएड कर रखा है या फिर अगर आपने एमबीए कर रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। लेकिन अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं कंपनी के अंदर तो आप यहाँ पे परमानेंट भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मैंशन कर दिया है। अब बात कीजिए यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए। आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको प्राइवेसी एग्रीमेंट को यहाँ पे एग्री कर देना है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्री वाला बटन है, तो इस पर आपको क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जो कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको अपने टाइटल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका फर्स्ट नेम क्या है उसको आप डाल सकते हैं, मिडिल नेम क्या है उसको आप डाल सकते हैं। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वही चीज़ें फिल करनी है जहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है। देखिए फर्स्ट नेम के आगे स्टार मार्क दे रखा है, टाइटल के आगे स्टार मार्क दे रखा है, और यहाँ पे लास्ट नेम के आगे भी स्टार मार्क दे रखा है। तो आपको वही चीज़ें फिल करनी है बॉक्स के अंदर, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। ईमेल आईडी आपको डाल देना है, देन फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपका डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी कैटेगरी क्या है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन फिर आता है आपका यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल का, जैसे कि आपने क्या कर रखा है, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सेलेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में क्लिक करेंगे तो 0 ईयर का डालना है। अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे भी आपको 0 ईयर डाल देना है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आप 0 और 0 यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आता है आपका करंट एनुअल सैलरी, आपके यहाँ पे 0.00 फिल कर देना है अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हैं। वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे एनुअली फिल करेंगे यहाँ पे 3.5 LPA अगर आपने डिप्लोमा किया है। वहीं अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने एमईएमटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे 4.5 LPA, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको डाल देना है। नोटिस पीरियड के अंदर आपके यहाँ पे मैक्सिमम 15 दिन का नोटिस पीरियड डालना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर इसको ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि आप टाटा ग्रुप के अंदर काम करता है तो यस और नो में आंसर कर देना है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस टाटा स्टील के अंदर यहाँ पे वर्क कर चुके हैं तो आपको यस और नो में आंसर कर देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा
डिप्लोमा का, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। वही अगर आपने एमईएमटेक कर रखा है या फिर अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो यहाँ पे ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया है। एजुकेशन स्पेशलाइजेशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रांचेज देखने को मिलेगी। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ब्रांचेज आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो आपकी जो भी ब्रांच है तो यहाँ पे आपको एरोस्पेस भी देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी ब्रांचेज, ऑटोमोबाइल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिप्लोमा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी ब्रांच को यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने सारी ब्रांचेज मेंशन कर दी है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे केमिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बारी के लिए, बाकी आप यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सारी ब्रांचेज देखने को मिल जाएगी। टाइप ऑफ यहाँ पे कोर्स के बारे में बोल रखा है कि आपने कोर्स रेगुलर कर रखा है या फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है, पार्ट टाइम कर रखा है, तो आपको यहाँ पे फुल टाइम कर लेना है, आपका कोर्स यहाँ पे फुल टाइम रहेगा। देन फिर आएगा यहाँ पे अपलोड रिज्यूम का, तो यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। मैक्सिमम जो साइज रहेगा आपका सीवी का वो रहेगा यहाँ पे 3 MB रहेगा, और 3 MB से आपको कम साइज रखना है। अगर आपका रिज्यूम का साइज 15 MB है, 20 MB है, तो आप उसको साइज को मिनिमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करिएगा और साइज को मिनिमाइज करिएगा, मैक्सिमम 3 MB तक आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं डॉक का, डॉक्स का, पीडीएफ का और आरटीएफ का। उस फॉर्मेट में आपका सीवी होना चाहिए और ब्राउजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। देन फिर आता है आपका एडिशनल सर्टिफिकेट का, तो अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। आपने सारा रीड कर लिया और फाइनली यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है और आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।